गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन फुटप्रिंट विदाउट फीट। आई हैव डिस्कस शॉर्ट क्वेश्चन एंड समरी एंड नाउ आई एम डिस्कसिंग द लॉन्ग क्वेश्चन। नेम द थ्री एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स दैट टुक प्लेस इन द रूम वेयर ग्रिफिन वाज स्टेइंग। उन तीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स के नाम बताइए जहाँ पर ग्रिफिन रुका हुआ था। ग्रिफिन वाज ए साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था। ही कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट, उसने एक्सपेरिमेंट किए विच मेड ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, जो क्या कर सकते थे, ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल कर सकते थे। ही ट्राइड, उसने कोशिश की दैट ऑन हिमसेल्फ एंड बिकेम इनविजिबल, उसने उस दवा का अपने ऊपर प्रयोग किया और वह इनविजिबल हो गया। व्हेन द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वॉक अप अर्ली, जब उसकी पत्नी और लैंडलॉर्ड जागा, दे वर सरप्राइज, उन्हें आश्चर्य था, टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वैज्ञानिक का दरवाज़ा खुला हुआ था, क्योंकि अक्सर जो वैज्ञानिक का दरवाज़ा था हमेशा बंद रहता था। एंड ही बिकेम फ्यूरियस व्हेन एनीवन एंटर इन हिज रूम, कोई व्यक्ति उसके कमरे में प्रवेश करता था तो वह क्या हो जाता था, नाराज हो जाता था। दे पीप्ड अराउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे के अंदर देखा, सो नोबडी, और देखा कि वहाँ कोई नहीं है, एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उसने क्या कर रखा, इन्वेस्टिगेट करने का निश्चय किया। ऑल ऑफ सडन, अचानक मिसेस हॉल हार्ड स्टिप क्लोज टू हर ईयर, मिसेस हॉल को अपने कान के नज़दीक एक आवाज़ सुनाई दी। ए मोमेंट लेटर, एक क्षण के बाद, द हेड ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप, जो हेड था जो बेड पोस्ट पर रखा हुआ था ऊपर उठा, एंड डैश इनटू हर फेस, और उसके चेहरे पर आया। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, तब इसके बाद क्या हुआ, जो बेडरूम में चेयर थी वो जीवित हो गई, स्प्रिंगिंग इनटू एयर, हवा में उछली, एंड चार्ज स्टेट एट हर लेग, और सीधे अपने पैरों की सहायता से उस पर आक्रमण किया। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम, उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर ने उन दोनों को कमरे से बाहर ढकेल दिया। एंड विद द स्लैम द डोर गॉट लॉक, और एक हल्के के साथ दरवाजा बंद हो गया, ऑल बाय इटसेल्फ, अपने आप ही। तो माय जेंटलमैन, इट्स ए फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन। व्हाई वर द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, व्हाट डिड दे डिसाइड, यानी लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी साइंटिस्ट के दरवाजे को खुला हुआ देखकर आश्चर्यचकित क्यों हुए, व्हाई, व्हाट डिड दे डिसाइड, तब उन्होंने क्या निश्चय किया। वन डे द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ फाउंड द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, एक दिन लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी ने वैज्ञानिक के दरवाजे को खुला हुआ पाया। द साइंटिस्ट डोर यूजली रिमेंड शट, क्योंकि वैज्ञानिक का दरवाजा था अक्सर बंद रहता था, एंड लॉक उसमें ताला लगा रहता था। दे बिकेम क्यूरियस टू नो, उन्हें उत्सुक हुए क्यूरियस हुए, इफ एनीवन एंटर हिज रूम, कि क्या एनीवन एंटर्ड हिज रूम। द कपल गॉट एन अपॉर्चुनिटी, उस कपल को एक मौका मिला टू एंटर द मैटर, टू इंक्वायर द मैटर, उस मामले को देखने के लिए कि वैज्ञानिक अकेले दरवाजे में लॉक लगाकर क्या करता है, और वाई ही बिकेम फ्यूरियस व्हेन एनीवन एंटर्ड हिज रूम, इस चीज़ की वो जानकारी लेना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने का निश्चय किया। दे वेंट इनसाइड, वे अंदर गए, एंड फाउंड, और पाया, दैट द बेड क्लॉथ वर कोल्ड एंड क्लॉथ सॉरी द बेड क्लॉथ वर कोल्ड, जो बेड क्लॉथ थे, बिस्तर के कपड़े थे, वो ठंडे पड़े हुए थे, एंड क्लॉथ एंड वेंडे दैट ही ऑलवेज वॉर, और क्लॉथ और वो वेंडे जिसे वो अक्सर पहना करता था, ले इन द रूम, कमरे में पड़े हुए थे। सडनली अचानक मिसिस हॉल हर्ड स्लिप क्लोज टू हर ईयर, अचानक मिसिस हॉल को अपने कान के पास एक तेज आवाज़ सुनाई दी। आफ्टर ए मोमेंट, एक क्षण के बाद, द हेड इन द रूम लिफ्ट अप, जो रूम में जो हेड रखा था वो झपटा, एंड डैश इटसेल्फ इनटू हर फेस, और स्वयं उनके चेहरे की ओर आया। बीइंग टेरिफाइड, डर कर, दे थॉट, उन्हें सोचा, दैट द रूम वाज हंटेड बाय स्पिरिट, कि उस कमरे में कोई आत्मा आ गई है। सो दे डिसाइडेड टू लीव इट, इसलिए उन्होंने उस कमरे को छोड़ने का निश्चय किया। मिसिस हॉल वाज कन्विंस्ड
मिसेस हॉल को विश्वास हो गया दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय स्प्रिट, कि जो रूम है वो आत्माओं का शिकार हो गया है, एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू फर्नीचर, और उस स्ट्रेंजर वैज्ञानिक ने किसी तरीके से उस आत्मा को उनके फर्नीचर में प्रवेश करा दिया। तो जेंटलमैन, इट्स ए सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, एंड थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन इज दिस, व्हाट डिड ग्रिफिन फाइनली डू व्हेन पीपल हेल्ड हिम रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द स्ट्रेंज ऑकरेंस, यानी ग्रिफिन ने अंत में क्या किया जब सभी लोगों ने जो सारी स्ट्रेंज ऑकरेंस हो रहे थे, जो सारी घटनाएं हो रही थी अजीब, उसके लिए उसे रेस्पॉन्सिबल माना, तो उस ग्रिफिन ने क्या किया। ग्रिफिन बिकेम फ्यूरियस, ग्रिफिन गुस्सा हो गया, व्हेन ही सॉ पीपल होल्डिंग हिम, जब उसने ही सो उसने देखा पीपल होल्डिंग हिम रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द स्ट्रेंज ऑक्यूरेंस, कि वहाँ के लोग थे वे उस जो स्ट्रेंज ऑक्यूरेंस वहाँ हो रहे थे उसके लिए उसे जिम्मेदार मान रहे थे। ही स्टार्टेड टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ, उसने गुस्से में क्या करा, अपने जो क्लॉथ थे, वैंडेज थे, विस्कर्स थे, स्पेक्टिकल थे, और यहाँ तक जो फाल्स नोज थी उसे उतारना शुरू कर दिया। द पीपल अराउंड हिम गॉट हॉरिफाइड, और जो लोग उसके चारों ओर थे वो डर गए, एज दे वर लुकिंग एट ए हेडलेस मैन, जैसे ही उन्होंने उस हेडलेस मैन को देखा, बिना सर वाले व्यक्ति को देखा, वो डर गए। क्यों डर गए, कि जैसे ही उन्होंने अपना विस्कर उतारा, अपना गलमच्छा उतारा, अपना चश्मा उतारा, झूठी नाक उतारी, वेंडे उतारा, तो वो जो उसकी बॉडी थी, जो उसने ड्रग्स को पिया था, उसके कारण वो इनविजिबल हो गए। द स्पेस अबव हिज शोल्डर बिकेम एम्प्टी, जो स्पेस था शोल्डर से ऊपर का वो एम्प्टी हो गया, खाली हो गया। देन ही स्टार्टेड रिमूविंग हिज क्लॉथ, तब उसने अपने कपड़ों को उतारना शुरू कर दिया। द सिचुएशन बिकेम फनी, जो सिचुएशन थी बहुत अधिक फनी हो गई, व्हेन द कांस्टेबल वाज स्ट्रगलिंग विद समवन, क्योंकि जो कांस्टेबल जेफर था वो ऐसे व्यक्ति से स्ट्रगलिंग कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, हुम नो वन कुड सी एट ऑल, जिसे कोई व्यक्ति देख नहीं सकता था। द मैन केप्ट ऑन थ्रोइंग वन गारमेंट आफ्टर अनदर, उस मैन ने अर्थात ग्रिफिन ने अपने कपड़ों को एक के बाद एक उतारना जारी रखा। नो वन कुड सी हिम, और अंत में उसे कोई नहीं देख सका। ही बिकेम एब्सोल्युटली इनविजिबल, वह पूरी तरीके से क्या हो चुका था, इनविजिबल हो सका हो गया था। एंड लास्ट क्वेश्चन इज दिस, डिस्क्राइब जेफर्स फाइट विद ग्रिफिन एट द ब्लेज ऑफ इटपिंग, जो जेफर जो कॉन्स्टेबल था जिसे बुलाया गया था ग्रिफिन को अरेस्ट करने के लिए, तो गांव जो इपिंग था उसमें उसकी फाइट कैसे हुई ग्रिफिन का, उसको डिस्क्राइब करना है। ग्रिफिन एंटर द क्लर्जीमैन हाउस, ग्रिफिन ने उस पादरी घर में प्रवेश किया विद एन इंटेंशन टू स्टील मनी, उसका एक इंटेंशन था। व्हाट इज इंटेंशन, क्योंकि ही वांटेड टू स्टील द मनी ऑफ द पादरी, वह पादरी के पैसे को चुराना चाहता था, बिकॉज ही हैज फिनिश्ड हिज रेडी कैश, वह अपने रेडी कैश था जो उसने शॉप से चुराया था वो खत्म हो गया था। ही ओपन द डेस्क, उसने डेस्क को खोला, एंड स्टॉल द मनी, और पैसे को चुरा लिया। व्हेन पीपल केम टू नो, जब लोगों को पता चला अबाउट द बर्गलरी, उस चोरी के बारे में, दे सस्पेक्टेड द स्ट्रेंजर, सॉरी, तो उन्हें उस स्ट्रेंजर पर संदेह हुआ। दे सीक्रेटली सेंड फॉर द ब्लेज कॉन्स्टेबल, उन्होंने चुपचाप गांव के कॉन्स्टेबल को बुलाने के लिए भेजा, मिस्टर जेफर, टू कन्फर्म देयर सस्पिशन, जो मिस्टर जेफर थे जो कॉन्स्टेबल थे वो सिचुएशन को अपने सस्पिशन को संदेह कर मतलब उसे देखने के लिए आए। द साइंटिस्ट बिकेम फ्यूरियस, साइंटिस्ट गुस्सा हो गया, एंड थ्री ऑफ हिज वेंडेड विस्कर्स एंड स्पेक्टिकल एंड फास्ट क्लोज, तो उसने क्या करा गुस्से में, अपने सारे वेंडेड विस्कर्स स्पेक्टिकल और नोज को उतार दिया। मिस्टर जेफर वाज सरप्राइज, मिस्टर जेफर को जो कांस्टेबल थे उन्हें बड़ा सरप्राइज हुआ दैट ही हैड टू अरेस्ट ए हेडलेस मैन, कि उन्हें एक हेडलेस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है। ही ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द मैन, उसने उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो मोर एंड मोर इनविजिबल यानी हर पल इनविजिबल होता जा रहा था। द कॉन्स्टेबल वाज स्ट्रगलिंग विद समवन, जो कॉन्स्टेबल था वो किसी व्यक्ति से संघर्ष कर रहा था, हु कुड नॉट बी सीन एट ऑल, जो दिखाई नहीं दिया, जो दिख नहीं रहा था। सम पीपल ट्राई टू असिस्ट हिम, कुछ लोगों ने उसकी सहायता करने की कोशिश की, बट रिसीव ब्लोस, लेकिन उन्हें क्या मिले, ब्लोस मिले यानी उन्हें घूंसे मिले। द कॉन्स्टेबल वाज नॉक अनकॉन्सियस,
और कांस्टेबल भी अंत में क्या हुआ, बेहोश हो गया। एंड ग्रिफिन स्कैट फ्रॉम देयर, और ग्रिफिन वहाँ से भाग गया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को नहीं पता था अब वो कहाँ गया। चलो लास्ट क्वेश्चन, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इट इज लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन। ग्रिफिन इज ए टैलेंटेड साइंटिस्ट, व्हाट ही मिसयूज हिज इन्वेंशन। ग्रिफिन था एक टैलेंटेड साइंटिस्ट था, लेकिन उसने अपने इन्वेंशन का मिसयूज किया था। द लेसन वी लर्न फ्रॉम हिज एग्जाम्पल इज दैट मिसयूज ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी कैन प्ले हैवॉक विद ह्यूमैनिटी। कि इस लेसन जो है उससे हम सीखते हैं एक एग्जाम्पल कि मिसयूज ऑफ ए साइंटिफिक डिस्कवरी यानी वैज्ञानिक डिस्कवरी का जो मिसयूज होता है वो क्या कर सकता है, कैन प्ले हैवॉक विद ह्यूमैनिटी, वो मानवता को स्पॉइल कर सकता है, हैवॉक कर सकता है। कैसे, हाउ, अब आपको बताना है। ए ट्रू साइंटिस्ट वर्क फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, एक जो ट्रू साइंटिस्ट होता है वो मानवता के भले के लिए कार्य करता है। ही वॉन्ट टू मेक मैंस लाइफ ईजियर, मोर कम्फर्टेबल एंड एंजरेबल, और वह एक मनुष्य के जीवन को आसान, आराम और आनंददायक बनाता। कौन, एक वैज्ञानिक। ही डजेंट मिस यूज हिज डिस्कवरी, वह कभी भी, एक जो सच्चा साइंटिस्ट होता है वो कभी भी अपनी डिस्कवरी का मिस यूज नहीं करता, फॉर पर्सनल गेन, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, और सेल्फिश अर्थात सेल्फिश एंड या अपने स्वार्थ के लिए। बट ग्रिफिन, लेकिन ग्रिफिन दो ए विलियंट साइंटिस्ट, जब जो ग्रिफिन था कहता था एक विलियंट साइंटिस्ट था, मिस यूज हिज डिस्कवरी, लेकिन उसने अपनी डिस्कवरी को क्या करा, मिस यूज किया। वाई हिज एक्सपेरिमेंट, ही हैज़ बीन एबल टू मेक हिज बॉडी ट्रांसपेरेंट एंड इनविजिबल, यानी अपने प्रयोगों द्वारा वह इतना सक्षम हो गया था कि वह अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर सकता था या इनविजिबल कर सकता था, यानी वो दिखाई नहीं दे सकती थी। ही यूज हिज डिस्कवरी टू पजल पीपल, उसने अपनी डिस्कवरी को लोगों को पजल करने के लिए किया। एंटर स्टोर्स, दुकानों में घुसा, एंड सोप्स अनसीन, और क्या करा, स्टोर में घुसा और सोप अनसीन, रोब पीपल ऑफ देयर मनी, और लोगों के धन को लूटा, और थिंक वस्तु को लूटा, एंड स्केल, और भाग गया। ही सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, उसने अपने जो मकान मालिक था उसके घर में आग लगाई। ही स्टील फूड, उसने खाना चुराया, मिठाई चुराई, शराब को पिया। इट सोस, यह दर्शाता है दैट द मिसयूज ऑफ ए साइंटिफिक डिस्कवरी कैन डिस्टर्ब द पीस ऑफ सोसाइटी, यह दर्शाता है कि एक वैज्ञानिक के जो डिस्कवरी है उसका अगर मिसयूज किया जाता है वह समाज के लोगों की शांति को डिस्टर्ब कर सकता है। सच ए साइंटिस्ट विल यूज हिज इन्वेंशन फॉर सेल्फ इंटरेस्ट एंड फॉर टेकिंग रिवेंज अपॉन द पीपल अराउंड हिम, ऐसा वैज्ञानिक विल यूज हिज इंटेंशन, उसका इंटेंशन क्या होता है, फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, अपने फायदे के लिए, और क्या करता है वो, टेकिंग रिवेंज फ्रॉम अपॉन द पीपल अराउंड हिम, और जो लोग उसके आसपास रहते हैं उन लोगों से बदला लेने के लिए। ही वॉन्ट ऑनर द लॉ, वह लॉ का ऑनर नहीं करता, दस विल बिकम ए लॉलेस पर्सन, और ऐसा व्यक्ति एक लॉलेस पर्सन व्यक्ति बन जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, दैट इज द एंड ऑफ द लेसन, फिल्ड विदाउट फीड, होपिंग यू विल गेट अंडरस्टैंड। थैंक यू।